सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं मोहित, आप देख रहे हो गेमिंग स्पार्क यूट्यूब चैनल। तो आज गाइस हम खेल रहे हैं स्ट्रैंडेड डीप द गेम, जिसके अंदर हम लोग एक आइलैंड पर सरवाइव करने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे थे अपने प्राइवेट जेट के अंदर, कहीं पर रास्ते में हमारा इस तरह से कुछ क्रैश हो जाता है। अरे भाई देखो मेरा सामान कैसे उड़ के बाहर जा रहा है, और पायलट वो सामने बैठा तो एक साइड पर होल हो चुका है गाइस। तो देख सकते हैं कि प्लेन हमारा फुल तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम कहाँ गिरते हैं ये तो कुछ आइडिया नहीं है, बट देखते हैं कि क्या होता है भाई साहब। ओह माय गॉड, बहुत ही तगड़े वाला क्रैश। अरे भाई साहब, ओ भाई, तो फाइनली हमारा प्लेन जो है एक पानी के अंदर आ चुका है गाइस, जहाँ पर आग लगी हुई है साइडों पे। मेरे को निकलने का कोई रास्ता तलाश करना होगा जल्दी से जल्दी, ताकि ये ना कि प्लेन डूब जाए या धमाका हो बड़े वाला और मैं भी फट जाऊँ उस धमाके के साथ। भाई साहब हमें जाना है राफ्ट की तरफ, ठीक है। राफ्ट यानी एक कश्ती होगी जो प्लेन से गिरती है साथ ही, तो हमें वो ढूंढनी गई। ये तो पंख पड़ा है एक प्लेन का, दूसरी हमारी राफ्ट किधर है गाइस, हमें वो ढूंढनी होगी जल्दी से जल्दी, ताकि हम इस आग से बच सके। भाई साहब क्या, अरे अच्छा ये इस तरह राफ्ट पड़ी, हम इस पर बैठ के भाई साहब किनारे की तरफ निकल जाएंगे भाई साहब। ओके, तो डे वन हमारा स्टार्ट हो चुका है गाइस, हमने यहाँ पर सर्वाइव करना। ओ माय गॉड, क्या ग्राफिक्स शो हो रहे हैं भाई साहब। अच्छा ये मेरी राफ्ट है, तो मैं इस राफ्ट को, अच्छा पैडल हमारा किधर है भैया, हमको पैडल चाहिए भाई। क्या मतलब पानी की क्वालिटी शो हो रही है भाई साहब, पानी देखो भाई साहब कितना। अरे पैडल, हाँ ये है पैडल हमारा, और इस पैडल को हम यहाँ पर लगा के चलाएंगे कुछ इस प्रकार से, और हम पहुँच जाएंगे वहाँ आइलैंड पे बाहर। गो टू द शो, ठीक है, हम किनारे पे जाएंगे इसके ज़रिए, ठीक है। तो ये हमारे एक दो मिशन कंप्लीट हो रहे हैं गाइस। ओ माय गॉड, क्या मज़ेदार, मतलब हमें एक सर्वाइव करना है इस आइलैंड पर, सारा कुछ यहीं से अरेंज करना है, यहीं करना है जो भी होगा, ठीक है। तो गेम बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, गेम को जल्दी से लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग ये डेली देखना चाहते हो तो मेरे गाइस। ओके, हम यहाँ पर किनारे पे आ गए हैं गाइस, यहाँ पे छलूंगी लगा के साइड पे हो जाएंगे बाहर, और इसको खींच के इधर ले आएंगे बाहर की तरफ, ताकि अगर हमें कहीं और वाटर के अंदर ट्रैवल करना पड़ता है तो हम इसके ज़रिए ट्रैवल कर सकें, क्योंकि हम एक आयरलैंड पर हैं जहाँ पर हमें रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम इन्हीं रिसोर्सेज से अपना गुजारा करेंगे भाई साहब। अगर पानी में इसको छोड़ दिया तो ये आगे भाग जाएगी, इसलिए इसको पानी से बाहर फुल प्रोटेक्शन के साथ खींच के बाहर ले आएंगे भाई। इस पैडल को यहाँ पे हुक कर देंगे। ओ भाई साहब, ये क्या मज़ेदार आइलैंड है भाई साहब। ओके, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि मेरे को जो भी चीज़ मिले उसको क्राफ्ट करना है, जैसे ये फूल शूल हैं, इससे कुछ कपड़े बनेंगे, कुछ रस्सियाँ बनेंगी, कुछ दवाइयाँ बनाने में काम आएंगे, प्यालो वगैरह, ठीक है। तो इस तरह के चीज़ें कुछ मैंने जोड़ रखी हैं पहले भी, तो अभी और चीज़ें जो भी मुझे मिलेंगी मैं उन सारी चीज़ों को जोड़ के अपने बैग में रख लूँगा, ताकि वो हमें काम दें, कुछ हर्बल मेडिसिन बनाने में, कुछ ये कुछ वो, लकड़ियाँ हम तोड़ेंगे घर बनाने के लिए, या हमें कुछ कपड़े आ रही है, क्या चीज़ है भाई, ये कुछ मछली लग रही है, ये कुछ स्टोन टाइप चीज़ है, ठीक है। यहाँ से कुछ कपड़े मिलेंगे, हम इस कपड़ा पहन सकेंगे, ठीक है। ये सारे कपड़े वगैरह हम लोग अपने बैग के अंदर रख लेंगे। ओ माय गॉड, समंदर के अंदर क्या चीज़ है भाई, मेरे को जो भी चीज़ मिले ना मैंने उसको अपने पास जोड़ लेना, ठीक है। तो मेरे को एक रिफाइंड नाइफ को क्राफ्ट करना है यहाँ से, मैं क्राफ्टिंग, अच्छा मेरे को दो चीज़ें और चाहिए इसमें, एक लैशेस चाहिए और दूसरी क्या चीज़ है, एक और चीज़ चाहिए, ठीक है, स्टोन टूल। ओके, स्टोन टूल हमने क्राफ्ट कर लिया मेरे भाई, स्टोन टूल हमारे पास आ गया। अब इस स्टोन टूल से क्या करना है, क्राफ्ट अ रिफाइंड नाइफ। अरे भाई स्टोन टूल क्यों हमसे क्राफ्ट करा रहे हो, क्राफ्ट आ रिफाइंड नाइफ। अच्छा रिफाइंड नाइफ के लिए हमें चाहिए ये लैशेस, रिफाइंड नाइफ इसके लिए हमें लैशेस चाहिए। लैशेस बनेंगी एक प्लांट है लैशेस, उससे बनेंगी भाई। ये जो प्लांट खड़ा है ना ऊपर छुटकू सा, प्लांट के पत्ते हैं कुछ, ये लीव्स हैं आई थिंक, ये उनसे बनेगा। तो ये लीव्स मेरे को ढूंढने पड़ेंगे गाइस, लीव्स मेरे को ढूंढने पड़ेंगे। अब लीव्स कहाँ मिलेंगे भाई। ओके, तो हमें लीव्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई ये। अच्छा इसका कोई और हल नहीं है, कौन और हल हो, हम इसको ढूंढ लें। लैशेस, मेरे को ये लैशेस बनाने, और लैशेस के लिए मेरे को कुछ लीव्स चाहिए। पर लीव्स यहाँ पर जो भी लीव्स हमने सारे तोड़ लिए,
फिर ये कौन से लीव की बात, कंटेनर के अंदर पहले चल के देखता हूँ कंटेनर के अंदर है क्या। इस कंटेनर का इधर एक छोटा सा है तो सही, इसको खोलने की कोशिश करते हैं। कंटेनर वाल, अरे भाई ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ने में, बहुत मुश्किल है भैया बहुत। इसको दूसरी तरफ चल के देखते हैं क्या इसके अंदर घुसने की कोई जगह है। अच्छा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। मार क्यों रहे हो इसको, तो वैसे ही ओपन हो जाएगा। देखो ये ओपन हो गया। ओह शिट, मुझे लगा अंदर कोई खजाना होगा, बट अंदर तो कुछ भी नहीं मिला मेरे को। इसके अंदर कंटेनर वॉल्स हैं बस, ये शायद बाद में हमें कंटेनर किसी काम आ सकता है, इसलिए इसको बंद करके रख देते हैं। ये शायद बाद में हमें किसी काम आए। ऑलराइट गाइस, हमें पत्ते नहीं मिले वो वाले, बट रात हो चुकी है। अब मेरे को रात के अंदर सर्वाइव करने के लिए या तो कोई टॉर्च वगैरह चाहिए, पर टॉर्च है नहीं और बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। मुझे डर है कोई चीज़ हम पे अटैक ना कर दे समंदर से निकल कर, मगरमच्छ ऐसा कुछ। भाई ये पेड़ कैसे चमक रहा है भाई। जो मेरे को चाहिए ना हर्बल लीव्स, हर्बल थे या कौन से थे वो, यहाँ पर नहीं मिल रहे मेरे को। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये नाइट जो है ना रेस्ट करना होगा, और जब दिन होगा तो दिन में काम करेंगे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कितना ख़तरनाक माहौल है। ऊपर से चांद निकल रखा है और ठीक है भाई। अरे भाई ये नाइफ क्राफ्टिंग वाला सिस्टम बहुत गंदा है यार गेम के अंदर, और इन्होंने मेरे को टार्च वगैरह भी नहीं दे रखी, तो मैं जैसे तैसे करके ये नाइट गुजारनी होगी। देखते हैं अगर कोई चीज़ मिल जाए हमें। रॉक शॉक मैंने इकट्ठी कर रखी है, ठीक है, रॉक शॉक मैंने इकट्ठी कर रखी है। उसके बाद जनाब ये क्या चीज़ें हैं, कंटेनर पड़ा है इधर, वही पुरानी चीज़ें भाई साहब, बहुत मुश्किल है रात के टाइम चीज़ों को ढूंढना, बहुत मुश्किल है आप लोग देख सकते हो भाई। बट सीन जो मज़ेदार है, चांद निकला हुआ है ठीक है, और ये कुछ पेड़ पौधे भी, मेरे को डर भी लग रहा है एकदम। मेरे को ऐसे अंदर से डर वाली फीलिंग आ रही है कि पता नहीं कोई इधर से कोई चीज़ मेरे ऊपर अटैक ना करते भाई साहब। तो गाइस चलो कोई नहीं, हम सुबह होने का वेट करेंगे, सुबह होगी तो हम अगला काम अपना शुरू करेंगे। लेट्स सी गाइस, सुबह हो चुकी है ठीक है, सुबह का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैगा है। ओ भाई सुबह सुबह सूर्य निकल रहा है, तो मेरे को जल्दी से जल्दी ये लीव्स ढूंढने हैं। ये जो हमने अभी लिया है ना एक स्टोन टूल, हाँ ये हमारी मेरी घड़ी है, हेल्थ वगैरह तो मेरा सारा कुछ पूरा है। ऐसे क्यों चल रहा है, सीधा होकर चल पाए। ये कुछ मछली का स्केल्पिन वगैरह लगता है जो इधर पड़ा है, मेरे को वो लीव ढूंढने हैं। लीव ढूंढने के बिना भाई काम नहीं चलेगा, लीव होंगे इधर ही, हो सकता है वो किसी पेड़ के पौधे के अंदर हो जिसको काटने से मिल जाए। है? है? इसके हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं, ऊपर चढ़ के ट्राई करते हैं। अरे भाई ये तो कोकोनट, ओ वाओ वाओ, हमने कोकोनट ले ली ठीक है। अब कोकोनट क्राफ्ट कर लेते हैं इसको, ताकि बाद में खा सके, इसका पानी पी सके और इसके शेल को। ओ भाई फाइब्रस लीव, यही तो मैं ढूंढ रहा था। अच्छा इस वाले पौधे के अंदर फाइब्रस लीव मिलेंगे, मेरे को नहीं आइडिया था कि ये इस वाले आई थिंक डेट का पाम ट्री है ठीक है, तो इसके अंदर ये मेरे को, अच्छा ये फाइब्रस लीव मेरे को तीन मिल चुके हैं, एक और चाहिए फाइब्रस फाइब्रस, हाँ ये खड़ा, इससे हमारी लैशेस बन जाएगी। लैशेस बनने के बाद हमारा एक टूल क्राफ्ट हो जाएगा, जिसके ज़रिए हम कुछ चीज़ को इधर एनिमल की हंटिंग करेंगे, और हंटिंग करके हम लोग उसका चिकन मीट खाएंगे ठीक है। ये क्या, ये बेड है, है? लेफ्ट माउस बटन कैंसल, राइट माउस बटन है, क्राफ्ट करके मेरे बैग में जाना चाहिए। माल तो पूरा हो चुका है हमारा, इधर फेंक के कोशिश करते हैं क्या होता है, है? है? गिरे नहीं, वो कह रहा है भैया, ये हो कह रहा है। अच्छा, अब मैं इसे उठा लूंगा। ओके गाइस, अब मैंने इसको उठा लिया, अब मैं एक और रिफाइंड नाइफ क्राफ्ट करूंगा, जिससे मैं एक शिकार वगैरह कर सकूंगा। अरे कोकोनट क्यों हाथ में आ गया मेरे, कोकोनट को फेंक देते हैं थोड़ी देर के लिए। रिफाइंड नाइफ मेरे पास आ चुका है,
ओके गाइज, अब मैंने एक क्रैब को किल करना है रात को। बाय द वे गाइज, मेरे को एक क्रैब में काटा भी था, ठीक है। ये क्रैब फिर रहा है, तो अब इनकी बारी आ गई इनके मरने की, ठीक है। इनको मार के हम इनका गोश्त उतारेंगे, गोश्त उतार के हम इसको खाएंगे। सर्वाइवल के लिए हमारा इतना ही है। फिर उसके बाद गाइज हम कश्ती लेंगे, आगे पीछे जाएंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे, सर्वाइव के लिए घर बनाएंगे, सारा कुछ होगा गाइज। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हो तो अगले पार्ट आएगा बहुत ज़्यादा जल्दी। तो ये हमारा क्रैब मर चुका है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं था इसको मारना भाई, ठीक है। तो क्रैब का मीट खाएंगे हम लोग, इसको यहाँ रखते हैं और इसकी पीलिंग करते हैं मेरे गाइस। ये इसका गोश्त हमने निकाल लिया यहाँ से, निकाल के अब हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, नया मिशन आ चुका है कि कैंप फायर क्राफ्ट करना है, ठीक है। नीड टू कूल डाउन, मेरे को थोड़ा रेस्ट करने का है। अब मेरे को नीडलिंग, अच्छा नीडलिंग तो आ गया हमारे पास, लकड़ियाँ वगैरह तो हमारे पास आ गई। कैंप फायर जिसको जलाएगा वो कैसे आएगा, इसके ऊपर हम ये अपना चिकन बना सकेंगे, ठीक है। हमें अब अगला मिशन कैंप फायर ढूंढेंगे और उसको पकाएंगे, और उसके बाद हमारा नया मिशन होगा मेरे गाइस। उस वक्त तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें ढूँढ के फिर आपके पास वापस आता हूँ, आप तब तक वीडियो को इन्जॉय करो। थैंक यू गाइज़।